हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज में। तो फ्रेंड्स, आपके इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वर्क एंड टाइम के लेक्चर नंबर 6 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने वर्क एंड टाइम के पिछले 5 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, या उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, बी की तुलना में उसे 60 दिन में पूरा कर लेता है, तदनुसार वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन है, मान लीजिए यहां पे ऑप्शन है 22 दिन, 22 सही 1/2 दिन, 23 दिन और 23 सही 1/2 दिन, ये इसका ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम किस माध्यम से हल करने वाले हैं, आइए इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना ए उस काम को x दिन में करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमने मान लिया कि ए उस काम को x दिन में करेगा, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 3x दिन में करेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं 3x कैसे लिख दिया, कि देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर ये जो बी है किसी काम को 9 दिन में पूरा कर रहा है, तो ए उस काम को 1/3 में पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो एफिशिएंसी है इससे 3 गुनी ज़्यादा है बी से। तो यहाँ पे ए की मतलब कि ए उस काम को x दिन में करेगा और बी उसे 3x दिन में करेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो बोल रहा है अगला टर्म कि बी की तुलना में उससे 60 दिन में पूरा कर लेता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यानी b माइनस ए इजिकल टू 60 दिन दे रहा है, तो यानी देख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे 3x माइनस x इजिकल टू 60 डेज, यानी 2x। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे यहाँ से 2x इजिकल टू 60, यहाँ x की वैल्यू आ जाए कितना, 30 दिन। अब देखिए फ्रेंड्स, a का यहाँ पे काम निकल गया कितना, 30 दिन, और यहाँ से बी की का काम निकल गया 90 डेज, यानी कि 90 दिन। अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तदनुसार वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर दोनों काम, तो दोनों काम करने के लिए सबसे पहले हम उन दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे, तो एफिशिएंसी निकाल के हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 1/30 और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 1/90। ठीक है, इतना। चलिए आइए हम इसे क्या कर लें, ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम हमारा 90 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 + 1 यानी कि 4/90 इसको। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ए और बी की क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो गई, तो ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी उस काम को करेंगे, यानी कि दिन वगैरह निकालना है, तो 90/4 यानी कि 22 सही 1/2 यानी कि 22 सही 1/2 दिन में उस काम को क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स वाई की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, अतः वह वाई की तुलना में एक कार्य उससे 40 दिन पहले ही पूरा कर लेता है, तदनुसार वे दोनों मिलकर एक वही काम कितने दिन में कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन वही है, लेकिन मैं यहाँ पर क्वेश्चन को रिपीट किया हूँ। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर अभ्यास हो जाए दोनों क्वेश्चन, यानी कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उसे आसानी से कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन मैं उसी तरह करूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वाई क्या, मैं यहाँ पर मान लूँगा कि माना वाई उस काम को एक्स दिन में करेगा। ठीक है, एक्स दिन में करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब वाई उस काम को एक्स दिन में करेगा, तब एक्स किस कितने दिन में करेगा, एक्स उस काम को 3x दिन में करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 3 गुना इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, 3x दिन में करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब क्वेश्चन बोल रहा है कि y की तुलना में 40 दिन में पहले ही पूरा कर लेता है, तो यहाँ पे इसका माइनस कर देंगे सेम उसी तरह, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो 3x माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3x माइनस x इक्वल टू 40, यहाँ पे 2x इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना, 20। x की वैल्यू 20 आ गई। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का काम निकालना है कि दोनों कितने दिन में उस काम को पूरा करेंगे, तो y का काम यानी कि y उस काम को 20 दिन में करेगा और x उस काम को कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, y प्लस एक्स कि दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/20 प्लस 1/60 इतना हो जाएगी। अब देखिए इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60, ये कितना हो जाएगा, 3+1 यानी कि 4/60, तो ये आ जाएगा 1/
15। तो ये x और y का मिलकर क्या हुआ, एफिशिएंसी यानी कि दक्षता निकल गया। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि दक्षता पे आधारित प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे x और y यानी कि x और y के यानी कि कितने दिन में करेंगे इसका, हम क्या करते हैं अपोजिट कर देते हैं, यानी कि 15 दिन में उस काम को क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है कि ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है और सी ए तथा बी के द्वारा मिलकर किए गए कार्य में तुलना का आधा करता है, ठीक है। यानी कि जो ए है बी की तुलना में आधा काम करता है, लेकिन जो सी है ए प्लस बी दोनों का जो मिलाकर काम है उनका आधा करता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला बोल रहा है कि यदि सी अकेला पूरा कार्य 40 दिन में कर पाए तो सभी एक उस काम को कितने दिन में मिलकर पूरा करेंगे। तो चलिए देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर रहा हूँ। कैसे करूँगा तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी का यहाँ पे जो काम दिया गया है यानी कि सी का काम दिया गया है, सी उस काम को 40 दिन में कर रहा है, सी उस काम को 40 दिन में कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ए और बी, तो यहाँ पे अगला नंबर टर्म पढ़ेंगे तो अगला नंबर टर्म में लिखा गया है कि सी ए प्लस बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है, यानी कि अगर ये 40 दिन में करेगा तो ए प्लस बी क्या करेंगे, 20 दिन में ही उस काम को कर लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सी बाई टू की एफिशिएंसी पे है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों का काम ऐड कर देंगे। हमसे बस इतना ही पूछा कि तीनों कितने दिन में करेंगे, हमको यानी ए और बी से कोई मतलब नहीं है, तीनों काम यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो तीनों की दक्षता जब निकालेंगे तो ए प्लस बी की दक्षता निकालेंगे तो ए प्लस बी की दक्षता 1/20 और सी की दक्षता 1/40, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसका आइए एलसीएम हम निकाल लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 + 1 यानी कि क्या हो जाएगा, 3/40। तो ये तो हो गई दक्षता, लेकिन उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा उस काम को कितने दिन में पूरा किया जाएगा, तो 40/3 यानी कि 13/1/3 दिन में, ठीक है फ्रेंड्स, इतना दिन में लगेगा उसको। चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर कितना, ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन अगला जो है बोल रहा है कि एक काम को 9 दिन में कर सकता है यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है, तो बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम उस क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बी की एफिशिएंसी या बी की कार्य दक्षता, बी की कार्य दक्षता। तो बी की कार्य दक्षता कितनी होगी, ए की कार्य दक्षता, ए की दक्षता की कितना, 50% है ना, तो 50%, तो बी की दक्षता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए की दक्षता, ए उस काम को कितने दिन में किया है, 9 दिन में। तो ए की दक्षता कितनी हो जाएगी, 1/9, ये 50% कितना हो जाएगा, तो सीधे सीधे हम परसेंटेज निकालेंगे, 150/100 कर देंगे, तो कैंसिल कर देंगे, तो 3 से 3 बार में कटेगा, 3 से 5, अब 5 × 10 यानी कितना आ जाएगा, 1/6। तो ये 1/6 जो आया ये बी की कार्य दक्षता हो गई, लेकिन उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 6 दिन में, यानी कि बी उसे 6 दिन में कंप्लीट कर लेगा उस काम को। चलिए फ्रेंड्स अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, ये भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, यानी कि जो ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, वही काम करने के लिए अकेले बी को लगेंगे कितने दिन लगेंगे भाई। तो देख सकते हैं यही वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन यही है। तो सबसे पहले हम बी की कार्य दक्षता निकालेंगे, तो बी की कार्य दक्षता, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी की कार्य दक्षता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए की जो कार्य दक्षता आएगी, ठीक है फ्रेंड्स, ए की जो कार्य दक्षता कितनी हो जाएगी, ए की कार्य दक्षता हो जाएगी 1/12 यानी कि 12 दिन में कर रहे हैं, तो उसकी जो दक्षता हो जाएगी 12, 60% अधिक कुशल है, तो 160/100। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक क्या करने वाला हूँ, इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं एक आपको ट्रिक सेट करने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कटेगा 4 × 3 = 12, ये 4 × 16, ठीक है, ये हो जाएगा क्या 2, ये हो जाएगा 5, यानी कि 2/15। तो ये अगर बी उस काम को करेगा तो 15/2 दिन लगाएगा, यानी कि 15/2 दिन लगाएगा, यानी कि 7 + 1/2 दिन। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं ट्रिक क्या बताने वाला था, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन एक बार रीड करिए, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बी की कार्य दक्षता पूछेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए की यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, तो
एक ही एफिशिएंसी यहाँ पे दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, तो 1/12 हो गया। अब जो मान लीजिए यहाँ पे अगर 60% अधिक कुछ दिया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 60% अधिक यानी कि 160/100 कर देंगे। यही जो आएगा उसको क्या करेंगे, मान को क्या करेंगे पलट देंगे, यानी कि जो भी आएगा हम लोग इसी मान को क्या करेंगे पलट देते हैं। तो मान लीजिए 1200/160 आ जाएगा। तो सबसे पहले कटा लीजिए 4 3 12 और 4 4 16, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसका जो वैल्यू आएगा कितना आ गया देख सकते हैं, इसका जो कटा दिए तो ये आ जाएगा 160 से कटाएंगे तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा 15/2, इसको मैं आसानी से लिख देता हूँ 15/2, तो 15/2 का वैल्यू ये आया कितना 750, माने 7.5 दिन। तो चलिए ये आपका ट्रिक था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि ए तथा बी एक साथ एक काम 12 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी एक। तो फ्रेंड्स अगला नंबर जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर प्रस्तुत है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए तथा बी एक काम एक साथ 12 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी एक साथ वही काम 15 दिन में कर पाते हैं। यदि ए तथा ए की काम क्षमता सी की दोगुनी है तो बी अकेले वही काम कितने दिन में कर सकेगा। तो देखिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले गिवन डाटा क्वेश्चन का लिखते हैं। तो ए और बी की काम क्षमता दिया गया है, यहाँ पे ए और बी की काम क्षमता अगर 12 दिन में करेगा तो ए और बी यहाँ पे क्या करते हैं 12 दिन में करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी तरह बी और सी उस काम को 15 दिन में कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ए और बी की यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं काम क्षमता निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ए और बी की जो काम क्षमता होगी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/12, और इसी तरह बी और सी की जो काम क्षमता होगी 1/15 हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स इतना हो गया। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगले नंबर क्या बोल रहा है कि जो ए की कार्य क्षमता होगी सी की दोगुनी होगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इस वाले जो पहला नंबर टर्म है यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, इसी के जगह पे हम 2c रख देते हैं। जो ए बराबर है वो क्या है 2c है, क्यों, अगर वो 2 यानी कि ये सी अगर उस किसी काम को 10 दिन में करेगा तो ए अकेले उस काम को 10 दिन में समाप्त कर देगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे ए बराबर 2c लिखे हैं। तो इस वाले को हम यहाँ पे कन्वर्ट करके 2c, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखने का तरीका b+c = 1/12। इसी तरह हम क्या करते हैं कि बी प्लस यहाँ पे क्या कर दें, तो इस वाले इक्वेशन में नीचे वाले में अगर हम क्या करते हैं 2 से गुणा कर दो तो 2b, और ये हो जाएगा 2c = 2/15। अब क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, 2c कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये हो जाएगा -b = ये हो जाएगा कितना -2/15 + 1/12, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे कि b को यहाँ पे लेंगे तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 2/15 - 1/12। तो b की जो काम क्षमता होगी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं एलसीएम 60, ये कितना हो जाएगा 15 * 60, तो ये 4 × 8 माइनस ये हो जाएगा कितना 12 × 5 = 60, यानी कि 3/60 यानी कि 1/1 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे B की जो काम क्षमता निकल के आई वो हो गई 1/20, लेकिन B जो उस काम को पूरा करेगा तो B उस काम को 20 दिन में क्या कर लेगा पूरा कर लेगा, ठीक है फ्रेंड्स 20 दिन में पूरा कर लेगा। अब देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ए की कार्य दक्षता बी की तुलना में आती है और सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए काम का आधा ही कर पाता है। तदनुसार यदि सी अकेला एक कार्य 20 दिन में कर सकता हो तो ए बी सी तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बने रहिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन डाटा दिया गया है, सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, तो सी उस काम को 20 दिन में कर पा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन और भी बोला जा रहा है इसके ऊपर, ए तथा बी जो काम कर रहे हैं सी के आधा ही कर रहे हैं, यानी कि जो सी है ए प्लस बी का, यानी कि अगर ए प्लस बी का जो काम होगा 20/2 यानी कि 10 दिन में हो कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स।
जो इन दोनों की एफिशिएंसी है इसके क्या होगी, दोगुनी है। तो अगर ये सी अकेले 20 दिन में कर रहा है तो ए और बी दोनों मिलके उस काम को 10 दिन में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना की पॉइंट था, आपको ये समझना बहुत ही जरूरी था। लेकिन अब क्वेश्चन से हमसे पूछ रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर साथ में कितने दिन में काम करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20। आइए निकाल लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम 20, यहाँ पे 2+1 यानी कि 3/20। तो ये जो तीनों की एफिशिएंसी निकल के आ गई, लेकिन तीनों की एफिशिएंसी नहीं निकालना, वर्क टाइम निकालना है कितने दिन में करेंगे, तो वर्क टाइम निकालने के लिए 20/3 कर देंगे यानी कि 6 × 2/3 36 × 18 + 2 कितना हो जाएगा 20, यानी कि इतने दिन में कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, और हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ऐसा क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 18 लड़के एक काम 24 दिन में कर सकते हैं, तदनुसार वही कार्य 27 लड़के कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे आसान, आप इसे ओरल कर सकते हैं यानी कि बिना कॉपी पेन उठाए कर सकते हैं। तो 18 लड़के किसी काम को 27 मतलब कि 24 दिन में कर रहे हैं ना, तो 18 लड़के 24 दिन में कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर लिख देते हैं लड़के, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं समय, उनके द्वारा किया गया टाइम। लेकिन और बोला जा रहा है कि 27 लड़के उस काम को हम मान लेते हैं कि 1 दिन में करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, इसमें आपको ट्रिक समझना है क्या करना है। अगर x की वैल्यू यहाँ पे निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पे x लिख देंगे, और x इक्वल टू लिखेंगे सबसे पहले सामने वाले का, यहाँ पे क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 18 × 24। यहाँ पे जो 27 बचा, 27 से हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर लेते हैं, 9 से कटा दो 3 × 2 = 3 × 8 = 24, यानी कि x की वैल्यू जो आ जाएगी 8 × 16 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ऐसे ही क्वेश्चन एक और देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, कि 8 विद्यार्थी एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, उसी काम को 5 विद्यार्थी कितने दिन में कर पाएंगे। तो क्वेश्चन सेम है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि लड़के यहाँ पे लिख लेते हैं लड़के, और उनके द्वारा लिया गया टाइम समय। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 विद्यार्थी 40 दिन में, तो 5 विद्यार्थी कितने दिन में, यही क्वेश्चन बोल रहा है ना। 8 जो विद्यार्थी हैं जो 15 दिन का टाइम ले रहे हैं, और जो कि 5 विद्यार्थी उस काम को 1 दिन में करेंगे, तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए 8 × 15 यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से 3 में कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 24 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।